नमस्ते कार, और आज हम खड़े हैं ब्रिटिश एसयूवी के सामने जिसका नाम है रेंज रोवर इवोक। 2011 में लॉन्च हुई थी और ये 2022 का सेकंड जनरेशन फेसलिफ्ट वेरिएंट आप देख रहे हैं। पेट्रोल और डीजल में आती है और कीमत है एक्स शोरूम 70 लाख रुपीस। ये डीजल D200 आर डायनामिक एसी आप देख रहे हैं। L551 कोड नेम है इस जनरेशन इवोक का। फेमस कार डिजाइनर गैरी मैकगवर्न और फिल सिमंस ने मिलकर डिजाइन किया है इवोक को। इसकी इंडिया, यूके, चाइना और ब्राजील में असेंबली होती है। जैगुआर लैंड रोवर के प्रीमियम ट्रांसवर्स आर्किटेक्चर PTA प्लेटफॉर्म पर बनी इवोक, जिस पर डिस्कवरी स्पोर्ट और जैगुआर ई पेस भी बने हैं। सोलर एटेन्यूएटिंग विंडस्क्रीन है जो यूवी रेस को केबिन में आने नहीं देगी। आज तक लगभग 9 लाख से ज़्यादा इवोक बिक चुकी हैं दुनिया में। लैंड रोवर कंपनी की टोटल सेल्स में 10% हिस्सा है इवोक का। फ्रंट सेंसर्स हैं, LED फॉग लाइट, फ्रंट कैमरा और ये ग्रिल, रेंज रोवर की बैजिंग, लैंड रोवर का लोगो और ये ऑटोमेटिक एडाप्टिव LED हेडलाइट, LED DRL और वॉशर के साथ। फॉग लाइट 4.4 मीटर लेंथ है, 1.6 मीटर हाइट है, 212 mm ग्राउंड क्लियरेंस है, लगभग 1900 kg कर्ब वेट है और 2500 kg ग्रॉस वेट है इवोक का। और ये है 18 इंच के अलॉय व्हील, 17, 19, 20 और 21 इंच के अलॉयज का भी ऑप्शन है। आगे और पीछे डिस्क ब्रेक मिलेंगे। आर डायनामिक की बैजिंग, इलेक्ट्रिक पावर फोल्ड, हीटेड ऑटो डिमिंग आउटसाइड मिरर्स हैं, अप्रोच लाइट्स, कैमरा और टर्न इंडिकेटर के साथ। रेन सेंसिंग वाइपर्स हैं। KG रूफ लोडिंग कैपेसिटी है, शार्क फिन एंटेना, 600 mm तक पानी में जा सकती है ये वोक, 11.6 मीटर टर्निंग सर्कल है और 2000 kg तक का वजन खींच सकती है। रियर डिस्क ब्रेक, ये सेंटोरिनी ब्लैक कलर आप देख रहे हैं, रेड, सिल्वर, ब्लू और वाइट कलर का भी ऑप्शन है। डुअल टोन में ब्लैक रूफ कलर का ऑप्शन मिलेगा। प्लग इन हाइब्रिड, मैनुअल ट्रांसमिशन और लॉन्ग व्हील बेस वर्जन भी आते हैं इवोक के, बट वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है। ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम है, टेरेन रिस्पॉन्स 2 है जो ड्राइविंग कंडीशन मॉनिटर करके सही ड्राइव मोड सेलेक्ट करेगा। रियर लाइट, रियर सेंसर, इवोक की बैजिंग, रेंज रोवर की बैजिंग, रियर कैमरा, रियर वाइपर, स्पॉइलर, हाई माउंट स्टॉप लैंप, लैंड रोवर का लोगो और ये है सिग्नेचर हाई लाइन LED टेल लाइट। और यहाँ से भरेंगे डीजल। पैसिव सस्पेंशन है बढ़िया राइड क्वालिटी के लिए। क्लियर साइड ग्राउंड व्यू है जिससे आप बोनेट, अंडर साइड और व्हील्स का ड्राइव व्यू ले सकते हैं। सेफ्टी के अंदर 6 एयरबैग, ABS, CBD, लेन कीप असिस्ट, ड्राइवर कंडीशन मॉनिटर, 3D सराउंड कैमरा, आगे पीछे पार्किंग असिस्टेंस, ISO फिक्स्ड चेसिस माउंटिंग, ट्रेलर स्टेबिलिटी असिस्ट, डायनामिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्शन कंट्रोल, रोल स्टेबिलिटी कंट्रोल, इंट्रूजन सेंसर, पावर चाइल्ड लॉक, सीट बेल्ट रिमाइंडर, इमरजेंसी ब्रेक असिस्ट और कीलेस एंट्री। एक्सरीज में भी कई ऑप्शंस मिलेंगे जैसे स्टील अंडर शील्ड, मिरर कवर्स, साइड वेंट्स, कार कवर, रियर बम्पर प्रोटेक्शन कवर, मड फ्लैप, कारपेट मैट, स्पोर्ट पेडल्स, स्कफ प्लेट, सीट कवर, लगेज पार्टीशन किट, कूल बॉक्स, विंडस्क्रीन सनशील्ड, एक्टिविटी की, सीट बैक स्टोवेज, चाइल्ड सीट, फायर एक्सटिंग्विशर, रिंस सिस्टम, पेट कैरियर, बाइक कैरियर, रूफ बॉक्स, टो बार किट और अलॉय व्हील। 2 एग्जॉस्ट टेल पाइप हैं। कूपे जैसा डिजाइन है इवोक का। शार्क फिन एंटेना में कैमरा दिया गया है। आइए बूट ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ आपको मिलेगी 591 लीटर की बूट स्पेस। रियर सीट्स फोल्ड करने पर 1383 लीटर की स्पेस बन जाएगी। साइड में पॉकेट है, लाइट है, इधर भी लाइट दी गई है, 12 वोल्ट का पोर्ट है। पार्सल ट्रे, 1 टच से ही क्लोज हो जाएगा बूट। आइए पीछे का पैसेंजर साइड डोर खोलकर देखते हैं।
फ्लश डिप्लॉयबल डोर हैंडल्स हैं। ट्वेल्व स्पीकर्स, 400 वॉट का मेरिडियन साउंड सिस्टम मिलेगा इवोक में। वन टच ओपन क्लोज पावर विंडोज है एंटी ट्रैप फंक्शन के साथ। थोड़ी स्पेस, पावर विंडो का बटन, मेरिडियन के स्पीकर, स्कफ प्लेट, और ये है रेड ब्लैक परफोरेटेड विंडसर लेदर अपॉल्स्ट्री। फुल ब्लैक कलर का भी ऑप्शन है। 40-20-40 स्प्लिट फोल्डिंग रियर सीट्स हैं। आर्म रेस्ट पे दो ग्लास होल्डर, सीट के पीछे पॉकेट्स मिलेंगी, ग्लास रूफ है, दो एसी वेंट, इवोक की बैजिंग, नीचे यूएसबी पोर्ट्स, ये 12 वोल्ट का पोर्ट, और ऐसे दिखता है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड पे भी लेदर फिनिश दी गई है, रीडिंग लाइट, आइए फ्रंट पैसेंजर साइड डोर खोलकर देखते हैं। वैसे इतनी आ गई सीट्स। आइए ड्राइवर साइड डोर खोलकर देखते हैं। यहां पर भी डोर पे नीचे स्पीकर है, काफी स्पेस दी गई है। पावर विंडो के कंट्रोल, ORM के कंट्रोल, तीन मेमोरी सीट के फंक्शंस हैं, स्पीकर। 1977 में शुरू हुई ब्रिटिश कंपनी है मेरिडियन। आर डायनेमिक की स्कफ प्लेट, सीट एडजस्टमेंट, टायर प्रेशर इंफॉर्मेशन, 10 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फ्रंट सीट्स हैं, 4 वे लंबर सपोर्ट और मेमोरी के साथ, मैनुअली एडजस्टेबल स्टेयरिंग कॉलम है, पेडल्स, बोनेट खोलने का लीवर, बूट खोलने का बटन, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, आर्मरेस्ट के अंदर काफी स्पेस दी गई है, दो यूएसबी पोर्ट्स हैं, 12 वोल्ट का पोर्ट है, यहाँ ऊपर थोड़ी स्पेस, अंदर दो ग्लास होल्डर, एस्ट्रे कैन, लाइटर, और ये है ZF का 9 HP 9-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। 2-zone क्लाइमेट कंट्रोल AC है, सोलर मिस्ट सेंसिंग, नैनो आयोनाइजेशन और PM2.5 फिल्टर के साथ। टेन इंच की स्क्रीन है, यहां से आप ड्राइव मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके नीचे भी स्पेस दी गई है, वायरलेस चार्जिंग है। और ये है 10 इंच का PV प्रो टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट, सपोर्ट करेगा एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, इन कंट्रोल रिमोट ऐप, वॉइस कंट्रोल, ब्लूटूथ, FM और रेडियो। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, और ये कैमरा डिस्प्ले, सराउंड व्यू मॉनिटर है। मीडिया, फोन, नेविगेशन, लो ट्रैक्शन लॉन्च, व्हीकल डायमेंशन, वेट सेंसिंग, इको डेटा, वैले मोड, ये वेट सेंसिंग, 4x4 इन्फो, मीडिया, फोन, कैमरास, दो AC वेंट, और ये शानदार डैशबोर्ड की फिनिश। हेडअप डिस्प्ले इंडिया में अवेलेबल नहीं है। ग्लोब बॉक्स, पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर लाइट के साथ, क्लियर साइड रियर व्यू मिरर, सनग्लास होल्डर, और ये है फिक्स्ड पैनोरामिक रूफ। ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर लाइट के साथ, और ये है परफोरेटेड फुल लेदर इलेक्ट्रिक पावर असिस्टेड स्टीयरिंग। ये फोन, वॉल्यूम, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और वॉइस कंट्रोल, एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल, स्पीड लिमिटर के साथ, पेडल शिफ्टर, वाइपर के कंट्रोल, लाइट के कंट्रोल, और ये है 12.3 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो दिखाएगा 3D नेविगेशन, ड्राइविंग इंफॉर्मेशन, आउटसाइड टेम्परेचर, ओडोमीटर, टाइम,
गियर शिफ्ट इंडिकेटर, आरपीएम, स्पीड, फ्यूल लेवल, कूलेंट टेम्परेचर और का इंफॉर्मेशन, व्हीकल वार्निंग, मीडिया। ट्रिप मीटर, डिस्प्ले। आइए बोनेट खोलते हैं और देखते हैं डीजल इंजन। तो ये है 2000 सीसी इनलाइन फोर सिलेंडर इंजीनियम डीजल इंजन, 201 हॉर्स पावर है, 430 एनएम टॉर्क है, 0 से 100 की स्पीड पकड़ेगी 8.5 सेकंड्स में, 213 किलोमीटर पर आर की टॉप स्पीड है और 14 का एवरेज मिलेगा 66.5 लीटर के फ्यूल टैंक से। पेट्रोल में भी सेम 2000 सीसी इनलाइन फोर सिलेंडर इंजीनियम इंजन आएगा, उसकी होगी 245 हॉर्स पावर, 365 एनएम टॉर्क, 0 से 100 की स्पीड पकड़ी 7.6 सेकंड्स में, 221 किलोमीटर पर आर की टॉप स्पीड और 10 का एवरेज मिलेगा 67 लीटर के फ्यूल टैंक से। तो कैसे लगी आपको रेंज रोवर इवोक हमें कमेंट्स में बताइए। थैंक यू।